हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। मेरा नाम है रियाज खान। आज हम एक और टॉपिक के साथ फिर से आए हैं। टॉपिक है कि क्या आपकी बॉडी रेडी है साइकिल के लिए या नहीं, ये कैसे पता करें। तो ये पता करने का बड़े सिंपल से तीन स्टेप्स हैं। उन तीन स्टेप्स के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, अगर वो सब आपके क्लियर हो जाते हैं यानी कि आपकी बॉडी तैयार है, आप इंजेक्शन लगा सकते हैं अपने, बन जाओ शेर। तो शेर बनने से पहले इन स्टेप्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेप का पहला पॉइंट है, क्या आपको पता है डाइट के बारे में। चेक योर डाइट नॉलेज प्रॉपरली। अगर आपको अच्छी तरह से पूरी नॉलेज है डाइट की, माइक्रोस क्या होते हैं, मैक्रोस क्या होते हैं, तो इसका मतलब आपके स्टेप वन का पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आप डाइट में एकदम शेर दिलो, धांसु इंसान हो, आपको डाइट के बारे में सब पता है। उसके बाद स्टेप वन का दूसरा पॉइंट आता है, क्या आपको 2 साल 2.5 साल का एक्सपीरियंस है वर्कआउट का। 2-2.5 साल आप नेचुरली वर्कआउट कर चुके हो। अगर आप कर चुके हो तो इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी बॉडी आधी बन चुकी है। अगर आपको नहीं है तो फालतू मत सोचो, 2 साल पहले वर्कआउट कर लो, फिर लौट के आना, तब इंजेक्शन लगेंगे। तो अगर आप नेक्स्ट लेवल पर पहुँचाना चाहते हो अपनी बॉडी को, तभी यूज़ किया जाता है। 0 लेवल से नेक्स्ट लेवल नहीं जाती है कभी भी बॉडी। तो सबसे पहले 2 साल तक नेचुरली वर्कआउट करो, नेचुरली मसल माइंड कनेक्शन बनाना सीखो, सारी मसल सीखो, हर तरह की एक्सरसाइज सीखो, वेरिएशन सीखो, तब जाके आपका स्टेप वन का दूसरा पॉइंट क्लियर हो जाता है, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है वर्कआउट का। उसके बाद इसमें स्टेप वन में तीसरा पॉइंट आता है, चेक योर बॉडी फैट परसेंटेज। यानी कि आप 2 साल से वर्कआउट कर रहे हो और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा बॉडी पर फैट है, तो फिर साइकिल करके कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार में अपने आप को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देने वाले हो। अगर आपके बॉडी की फैट परसेंटेज 25 के आसपास है, 20 के आसपास है, तो आप सोच सकते हो कि चलो यार कर लेते हैं साइकिल, अब मसल तो है हमारे पास बहुत सारा, बॉडी की फैट परसेंटेज भी 20 25 18 के आसपास घूम रही है, अब नेक्स्ट लेवल दिखाते हैं अपने शरीर को, तब आप कर सकते हो। साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ही कम होंगे और रिजल्ट्स भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल आने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो अगर आपके तीनों पॉइंट्स ठीक हैं तो आपका स्टेप वन हो जाता है क्लियर, यानी कि आप पहले एग्ज़ाम में पास हो गए। अब आता है एग्ज़ाम नंबर 2। एग्ज़ाम नंबर 2 में हम बात करेंगे कि ब्लड रिपोर्ट्स के ऊपर, क्या क्या ब्लड रिपोर्ट्स करानी है आपको। तो सबसे पहले कुछ आपको हार्मोन्स के टेस्ट कराने हैं, ये आपके फर्स्ट साइकिल से पहले के टेस्ट हैं, ध्यान रखिए। अगर आप पहले से साइकिल कर चुके हैं तब भी आप ये टेस्ट करा ही सकते हैं कि आपके ब्लड का लेवल्स क्या है, मगर फर्स्ट जो बिगनर साइकिल कर रहे हैं वो ज़रूर करा लें। और वैसे ये बिगनर साइकिल आप बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब मेरे को लगातार मैसेज आते हैं, हमने साइकिल शुरू कर दिया है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया है, तो उससे पहले बेसलाइन टेस्ट ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा। तो वो क्या है, हार्मोन्स के जो टेस्ट हैं वो हैं LH और FSH लेवल्स। ये क्या होते हैं हम आगे बात करेंगे, फिलहाल आप इनको नोट डाउन कर लीजिए कि ये टेस्ट कराने हैं, LH लेवल, FSH लेवल, उसके अलावा टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन और E2 लेवल। E2 यानी एस्ट्रोजन का, आपको एक हमारे अंदर मेल बॉडी के अंदर जो बनता है E2, उसका टेस्ट कराना है। तो हो गए आपके हार्मोन्स के टेस्ट। उसके बाद आपको कराने हैं कुछ बेसिक टेस्ट, जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल, ब्लड शुगर लेवल्स, BP कितना है आपका, और BP का आपको एक ग्राफ बनाना है 7 दिन का कि कितना वो फ्लक्चुएट करता है नेचुरली, ताकि जब आप ऑन साइकिल उस BP का ग्राफ बनाएं तो वो सही आए या नहीं आए। अब ये ग्राफ बनाना, ये सब बनाना बहुत मुश्किल काम है एक नॉर्मल इंसान के लिए, और ख़ासतौर पर जो जिम जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स एप्लीकेशन बना रहा है, आपको पता है, तो बहुत जल्दी वो एप्लीकेशन आ जाएगा, वो आपके लिए ग्राफ वगैरह सब बना देगा कि आपके ब्लड के लेवल्स, बीपी के लेवल्स कैसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑल्सो। सो गाइस, ये तो हो गया आपका ब्लड रिपोर्ट्स। अगर आपकी ये सारी ब्लड रिपोर्ट्स एकदम ठीक आ गई हैं तो यानी कि आप दूसरे एग्ज़ाम में भी पास हो गए, आपका स्टेप 2 भी क्लियर हो गया। बात करते हैं स्टेप 3 के ऊपर, जब आपने सब कुछ क्लियर कर लिया है। तो उसमें स्टेप 3 का सबसे पहला पॉइंट है, एक बढ़िया सा हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि आगे बताने वाला हूँ कौन कौन सी सुइयाँ लगनी है। ये स्टेप 3 का एक्चुअल में पहला पॉइंट है, आपको एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि एनी हाउ बाहर से हार्मोन्स इंजेक्ट कर रहे हो, बॉडी में कुछ भी हो सकता है। तो एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना, पास होना ज़रूरी है। ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ गई कभी तो कम से कम इलाज तो करा लोगे अपना, तो एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना। स्टेप 3 का दूसरा पॉइंट है, अपनी जो ड्रग्स आप इंजेक्ट करने वाले हो, अपने गोल के हिसाब से उन ड्रग्स की लिस्ट बनाओ। फॉर एग्जांपल आप गेनिंग करने वाले हो तो डेका, बोल्डी, टेस्टा, ऐसे एक जगह पे लिख लीजिए, इन सब के सारे साइड इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स लिख लीजिए, क्या वो आपके गोल को मैच करते हैं। अगर करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आपका साइकिल मिल गया, आपको ये लेना है।
उसके बाद अपनी डाइट की लिस्ट बनाओ, ये सारी डाइट्स जो आपको उस दौरान लेनी है वो सारे आपका फूड तैयार करो, क्या क्या खाओगे, कैसे खाओगे, सारे वर्कआउट्स रेडी कर लो, ये वर्कआउट्स लेने और करने हैं हमें, तैयार करना, अपनी बॉडी को ट्रेन करना है। उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाता है, बढ़िया सा PCT तैयार कर लो, क्योंकि अंदर घुसना जैसे आपको है वैसे बाहर भी निकलना है। तो अंदर घुसने से पहले आपको सोचना है कि बाहर कैसे निकलूं, PCT कैसे करनी है। के लिए पूरा सीरीज़ चलेगा, हर मंडे एक वीडियो मेरा अब लगातार आएगा, तो अब आप लोगों को और ज़्यादा मुझे सुनाने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियो नहीं डाल रहे हो। हर मंडे वीडियो अपलोड करूँगा लगातार, आप कुछ ही दिनों में आपके पास PCT का पूरा सीरीज़ हो जाएगा। तो गाइस ये था वीडियो, 3-स्टेप प्रोसेस, हाउ चेक योर बॉडी इज़ रेडी फॉर साइकिल और नॉट। अगर आप ये तीनों एग्ज़ाम आपने पास कर लिए हैं तो आप तैयार हैं साइकिल के लिए, और स्पेशली मॉनिटर कैसे करें उसके लिए हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स टीम काम कर ही रही है। बहुत ही जल्दी आपको आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वेब पर मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे।